नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर जिले में बनने वाले दो नए थाना भवन के शिलान्यास से रिलेटेड है। एक थाना भवन बरहेट में बनाया जाएगा जबकि दूसरा थाना भवन तालजारी में बनाया जाएगा। बरहेट में कार्यक्रम आयोजित कर थाना भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सांसद विजय कुमार हासदा एवं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने संयुक्त रूप से नारियल तोड़कर नए थाना भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर पुलिस के आधुनिकीकरण की बात भी कही गई, गश्ती वाहन भी उपलब्ध कराने का वादन दिया गया। इसमें विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि पुलिस को नए गश्ती वाहन भी दिए जाएंगे। नया थाना भवन के साथ साथ गश्ती वाहन लगभग सभी थाना में गश्ती वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर तालझारी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां सांसद विजय कुमार हासदा एवं विधायक लोबिन इमरम ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर नए थाना भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर भी कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा एवं स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। लोबिन इमरम ने भी सरकार के इस कार्य की सराहना की एवं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नए थाना भवन बन जाने से जिले में अपराध पर नियंत्रण करने में पुलिस कर्मियों को सहायता मिलेगा। दोनों जगहों पर शिलान्यास के बाद सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। हमारे सिपाही भाई, थाना प्रभारी अपनी दिनचर्या और कार्य कैसे करते थे ये हम अक्सर देखा करते थे और तकलीफ भी होती थी कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत और लगन लगाकर जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है वैसे पदाधिकारी को ना ही आवास और ना ही बढ़िया चैम्बर की व्यवस्था थी। कहीं कहीं तो हम देखते थे कि हमारे थाना प्रभारी अन्यत्र कहीं दूसरे जगह रूम भाड़ा लेकर रहना पड़ता था। मैंने इस पीड़ा को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री जो यहां के स्थानीय विधायक हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से वार्ता किया और इसके बाद पुलिस निगम के एडीजी अजय सिंह के से हम जाकर भेंट किए और वार्ता के बाद हमारे साहेबगंज के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगा गया और यहां से रिपोर्ट गया। आज गोर थाने का शिलान्यास हुआ है लेकिन मैं अपने समाज के अगली पंक्ति में आकर सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को यह कहना चाहता हूं कि साहेबगंज जिला में कोई भी ऐसा थाना नहीं होगा जिसको हम लोग नया भवन नहीं बनाने का काम करेंगे। और आवास की भी व्यवस्था यहीं पर की जाएगी। कुछ दिनों के बाद ही राणा का भी निकलने वाला है, तीन पहाड़ का भी निकलने वाला है। निश्चित रूप से सूबे के मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास है कि हम इस बरहेट विधानसभा को और साहेबगंज जिला को झारखंड के मानचित्र पर सबसे अधिक विकसित जिलाओं में और विकसित विधानसभाओं में शामिल करें जिसके तहत काम हो रहा है। हमारे पुलिस साथियों को कुछ कठिनाइयां हैं जैसे उनके पास गाड़ी की कमी है। मैं इस बात को भी रखा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द ही सभी थाना से लेकर जिला मुख्यालय में पुलिस बल को गश्ती करने के लिए नया गाड़ी देने का काम ये सरकार करेगी। शिलान्यास कार्यक्रम है यहाँ पे आपका, जाकर के बिल्डिंग नया बनना है, आपका भवन नया बनना है तालझारी पे। बहुत समय से यहाँ पे डिमांड भी था और ज़रूरत भी थी और अभी फिर उसके बाद बरहेट में भी हम लोग करने जा रहे हैं। लगातार नए नए बिल्डिंग्स पुलिस प्रशासन को मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग्स पुराने बने थे और उसके बाद पुलिस बल की जो संख्या बढ़ी है
उस हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, और धीरे धीरे सरकार की तरफ से अब विभाग की तरफ से इस पर लगातार कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि इनकमिंग जो भी कुछ साल में हम लोग सारे जितने हमारे संथाल परगना या फिर कहिए राज्य स्तर पे भी बिल्डिंग्स और जितने भी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। तालधारी थाना के परिसर में माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में नए थाना भवन के लिए शिलान्यास किया गया है, निर्माण होना है, और एक सरकार की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है थाने के लिए। इस नए थाने भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। हमारे ज़िले में आज दो थानों का भवन का निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें एक बरहेट में है, और यह एक बेहतर पहल है ताकि हमारे पदाधिकारी कर्मी एक अच्छे माहौल में अच्छे भवन में कार्य के वातावरण में काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ सभी लोगों को, धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद।